सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे और लखनऊ रवाना होने के कुछ देर पहले गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कटिबद्ध है। हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड की परीक्षाओं में माफिया राज को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उन्होंने पहले भी कहा था, जिस पर उनकी सरकार ने सफलतापूर्वक कार्य किया है। सीएम ने कहा कि इस बार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा परिणाम काफी अच्छा आया है, जिससे पता चलता है कि प्रदेश के युवाओं में शिक्षा के प्रति कितना जज्बा है। उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम को कैसे सरल और सुबोध बनाया जाए, इसके लिए कार्य चल रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20,000 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। तब तक रिटायर शिक्षकों को मानदेय पर कार्य किए जाने की पहल जारी है। उन्होंने कहा, शुभ लक्षण है, हम लोगों ने तब भी कहा था कि हम प्रदेश के अंदर किसी प्रकार के माफिया राज को समाप्त करेंगे, चाहे वह भू माफिया हो, संगठित अपराध का माफिया हो या शिक्षा माफिया, इन सब को हम लोग प्रदेश से हटाएंगे, इनको प्रदेश में किसी प्रकार की अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के दोनों परिणाम एक साथ आए हैं। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 75% से अधिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 72% से अधिक, इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे छात्रों में जज्बा है, उनमें प्रतिभा है, उनमें ऊर्जा है। आवश्यकता एक दिशा देने की थी, प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के इसको एक नई दिशा देने का कार्य किया है। अब इस पाठ्यक्रम को एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के योग्य कैसे बनाया जा सके, इसको सरल और सुबोध कैसे और बनाया जा सकता हो, जिससे उत्तर प्रदेश का नौजवान भी किसी भी अखिल भारतीय परीक्षा के लिए अपने आप को हर समय हमेशा तैयार मान सके, इस दिशा में व्यापक सुधार हो रहे हैं। NCERT के पाठ्यक्रम को यहाँ पर अपनाने की कार्रवाई हो रही है। जो शिक्षक पहली बार हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे गवर्नमेंट के एडेड विद्यालय हैं, उन सब में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के शिक्षक अनिवार्य रूप से हम लोग दे रहे हैं, जिससे बच्चों का उन्नयन हो सके। जब तक हमारी 20,000 माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति होती है, तब तक हर विद्यालय को इस बात के लिए कहा गया है कि वे लोग अपने यहाँ जो योग्य शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं उनको रख सकते हैं, उनको मानदेय के आधार पर रख सकते हैं, मानदेय प्रदेश सरकार देगी, लेकिन ये नियुक्ति तभी तक होगी जब तक कि नए शिक्षक आते हैं। नए शिक्षकों के आने के बाद नए शिक्षक फिर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा में 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो चुकी है। मानदेय के आधार पर जो शिक्षक इस दौरान रिटायर्ड शिक्षक पढ़ाएंगे उनको हैंडसम मानदेय भी हम लोग। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस का सफाया, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस का सफाया एक बार पुनः तय है कर्नाटक।